انت تعرف من اه ساعات في... ما يضر ما يضر. معذور. معذور أنت عمي. معذور يا عمو شو اسمك؟ يلا هلا شوي ونصير عنكم ماشي؟ الحمد لله السلامة الحمد لله على السلامة نبي قبر جو हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आज मुझे ब्लॉग आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे टर्की और सीरिया में जज्जला आया हुआ है उससे हम सबको इबरत हासिल होना चाहिए तो अल्लाह ताला जब अपने जलाल पे जब आता है ना किसी भी वक्त जब भी चाहे बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकता है अल्लाह ताला देखो यहाँ मैं भी ट्विटर पे ही देख रहा था तो यहाँ पे देखो 18,342 लोग डेट हो गए हैं अल्लाह तला इन सारे लोगों को मफरत अता फरमाए और इनके लुहाकिन को सब्र अता करें और अल्लाह ताला इनको जन्नत में अला से आला मकाम अता नसीब फरमाए और उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दें और सेवेंटी फोर थाउजेंड लोग इंजोर्ड हुए हैं अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत आपयाब अता फरमाए टर्की से स्टार्ट हुआ है यह जल्जला जल्जला जा, टर्की से स्टार्ट हुआ है टर्की से गए शिरिया शरिया से अभी इंडोनेशिया आया कल इंडोनेशिया में भी हुआ है तो यार अभी मैं वीडियो भी लगाता हूँ आप देखिएगा वीडियो ठीक है टर्की की एक बंदा है मालूम नहीं कौन है वो उनके कुछ रिलेटिव के कुछ हैं पत्थर है ना पत्थर से मार के उनको निकाल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं मतलब जी तो यही कर रहा है उनका कि तोड़ दें उसको हटा दें ये सब कर दें लेकिन देखो फिर भी नहीं कर पाते हैं वीडियो देखो अभी मैं लगाता हूँ वीडियो देखो और देखो काफी सारे अंदर से रेस्क्यू किया गया हुआ है और हमारे इंडिया की इंडिया की टीम गई थी वहाँ पे रेस्क्यू के लिए बचाव के लिए हमारी इंडिया की सबसे पहले टीम गई थी के लिए मैं तहे दिल से ज्यादा करता हूँ हमारा इंडिया सबसे पहले पहुंचा था वहाँ पे बचाव के लिए अल्लाह तला यार सबको शफात फरमाए जो फोत हो गए अल्लाह तुन उनको जन्नत नसीब अता करें टर्की का मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली टर्की का हालात जल्द से जल्द जल जैसे था पहले वैसे कर दें और सीरिया का भी जैसे था पहले वैसा कर दें और इंडोनेशिया में भी कल आया हुआ है अल्लाह इंडोनेशिया को भी बहुत नुकसान हुआ है अल्लाह उनको भी जैसे थे पहले वैसे इंडोनेशिया को भी खड़ा कर दें और एक चीज़ और है पता है हमारी जो इंडियन आर्मी थी उनमें एक लेडीज़ थी और एक टर्की की लेडीज़ उनको देख के ना कसम से उतना इतना, इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊं यार अपनी इंडियन आर्मी पे इतना इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊं यार सलाम है यार उन लोगों को तो दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा अर्थवे जल्जला भूकंप आया था टर्की में अब तक का सबसे बड़ा देखो कितना सारा नुकसान हो गया जान माल हर चीज़ का नुकसान हो गया देखिए और काफी सारी कंपनियां हैं जो डोनेट करवा रही हैं और काफी सारे लोग भाई लोग हैं बहुत सारे लोग हेल्प किए हैं और सऊदी अरबिया है सऊदी अरबिया भी सब कुछ ये देखिए मैं वीडियो लगा देता हूँ सऊदी अरबिया का सऊदी अरबिया का रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुका हुआ है टर्की में देखिए जहाज पे पूरी गाड़ी लग रही है ये देखिए वहां पे उनकी भी गाड़ी जा रही है इंडोनेशिया के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए टर्की के लिए भी दुआ कीजिए और सीरिया के लिए भी दुआ कीजिए प्लीज दोस्तों प्रे फॉर टर्की एंड सीरिया एंड इंडोनेशिया प्लीज सो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए अगर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप आपकी राय क्या है तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय